नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक मलिक और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटा बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम इस चैनल पर फॉरेक्स से रिलेटेड अपडेट, बिटकॉइन से रिलेटेड अपडेट, ऑल ट्रेडिंग जितने भी तरह की ट्रेड होती है सारी अपडेट आपको लेके आते रहते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप फॉरेक्स की डेली कॉल चाहते हो, गोल्ड की डेली कॉल चाहते हो, क्रिप्टो की डेली कॉल चाहते हो, आज हम अपनी इस वीडियो में जानने वाले हैं प्राइस एक्शन से ट्रेड बिल्कुल लाइव ट्रेड करना, और वही कॉल आपको प्रीमियम में दी जाती है। प्रीमियम वाले बोलते हैं कि भाई इतनी अच्छी एक्यूरेसी जो निकलती है वो कैसे आप निकाल पाते हो, तो वो सीधा सीधा प्राइस एक्शन की ट्रेड होती है, कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं। और जितने बड़े ट्रेडर है वो केवल प्राइस एक्शन ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल लाइव चार्ट पे हम शुरू करेंगे अपना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जीबीपी सीएचएफ का चार्ट है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा प्राइस यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी क्या है, एक सपोर्ट भी है। हम देखते हैं सपोर्ट कितनी मजबूत है। तो एक बार हम पीछे तक अगर निगाह घुमाते हैं इसमें, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी सपोर्ट ली, यहाँ पे भी सपोर्ट ली, यहाँ पे भी सपोर्ट ली। तो प्रोबेबली पूरी पूरी संभावनाएं हैं कि जो हमारा बिटकॉइन का प्राइस है वो यहाँ से जो है एक अच्छा बाउंस बैक हमें दिखा सकता है, और इसकी दिखाने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। तो हम वेट करेंगे, थोड़ा सा कंफर्मेशन मिले, कहीं से उठता हुआ हमें दिखाई दे। ये इसने नीचे तक लगा दिया अपना, यहाँ तक बॉटम लगाया, और हम वेट करेंगे अभी कि अब हमारी जो है कैंडल एक अच्छी ग्रीन ऊपर की तरफ हमें दिखाई देगी, तो उसके बाद हम लॉन्ग के लिए जाएंगे। और ये आप देख सकते हो पूरी तरह से बुलिश कैंडल है, अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ, बुल वॉल्यूम क्लियर इस कैंडल में दिख रहा। तो अब यहाँ से जाएंगे हम लॉन्ग के लिए, ठीक है। हम इस कैंडल पर हम लॉन्ग लेने जा रहे हैं, और अपना स्टॉप लॉस कहाँ पर रखेंगे, अपनी इस कैंडल के नीचे रखेंगे। और जो हमारा टारगेट होगा वो हमारा टारगेट क्या होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ के आसपास जो है हम अपना टारगेट लेके चलेंगे, जो इसका पीक है, जिसने टॉप लगाया हुआ, जो इसकी अब रेसिस्टेंस बनेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा, ये हमारा टारगेट होगा लगभग, कि यहाँ से उठेगा तो यहाँ के आसपास तक हमारा जाना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ हम स्टॉप लॉस ट्रेल भी करते चलते हैं अपना, तो देखते हैं क्या होता हमारा इस ट्रेड में। और ये देखिए कितनी जल्दी इसने हमारा कुछ ही कैंडल्स में बिल्कुल टारगेट हिट कर दिया, और ये कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं था। मैं आपको 1 आवर के चार्ट पे दिखा रहा हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड, लंबे टाइम तक की ट्रेड हम देख सके। और ये बाद में ये भी देखेंगे कितना पिप्स का प्रॉफिट टोटल हमने अर्न किया, और ये आप देख सकते हो 80 पिप्स की ट्रेड थी, 80 पिप्स। अगर आप 20 पिप्स डेली करते हो, नोट साइज को डेली डबल करते हो, तो $20 से आप $50,000 पर मंथ अर्न कर सकते हो। और ये अकेली ट्रेड पे जो आप देख रहे हो 80 पिप्स की थी, बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है ये। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, वेट करेंगे वापस आके, जो ये पहले रेसिस्टेंस थी अब इसको आके सपोर्ट की तरह रिएक्ट करें, हम वापस वेट करेंगे। अब ये प्राइस नीचे की तरफ हमारा आए, मैं चार्ट को थोड़ा सा छोटा करूंगा, और अब हम इसको प्ले करेंगे कि नीचे आता है या नहीं आता है। ये नीचे अभी नहीं आ रहा है, और इसने अभी एक जगह अपना घूमना शुरू कर दिया, ये अपना एक जोन बना रहा है, ठीक है। आप क्लियर कट देख सकते हो, अपना एक जोन टाइप बना के चल रहा है, इसके ब्रेकआउट की वेट करेंगे। और मैं जोन आपको बना के दिखा देता हूँ, ये लगभग ऐसा जोन बनाता हुआ चल रहा है ये। इसकी एक पूरी अच्छी बुलिश कैंडल के साथ, बुल वॉल्यूम के साथ, जिसमें कैंडल में हम बुलिश कैंडल कह सकें देखते ही, ऐसी कैंडल की वेट करेंगे तो हम नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, और फिर हम जो है ट्रेड में एंटर करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी, ये थोड़ा आगे हो गया प्ले फॉरवर्ड, ये वाली कैंडल ने हमें दिया था यहाँ पर ब्रेकआउट, ठीक है। एक कैंडल ही प्ले करूंगा, ये देखिए ये वाली कैंडल जो थी ये हमारी ट्रिगर कैंडल थी, और ट्रेंड ने अलग ही बता दिया था कि मैं अब ऊपर जाने वाला हूँ। इतनी अच्छी खासी कैंडल जो बनती है सीधी सीधी ट्रेंड बतला देती है हमें कि भाई अब मेरा मूड इस तरफ जाने का है, ठीक है। हम जो अपना स्टॉप लॉस रखेंगे वो इस वाले इसके नीचे रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी एक बार पॉइंट लेकर उठा, यहाँ पे भी अगर आप देख सके दोनों एक उस पर लेकर उठे हैं, ये तो इनके आसपास तक जो हमारा स्विंग लो होगा वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। और हमारा टारगेट क्या होगा, हम पीछे देख लेते हैं भाई, हमारा जो टारगेट होगा ये वाली पीक, ठीक है, जो इसका लास्ट ये वाला हाई था, तो यहाँ तक के लिए हम अपनी कैंडल को लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा ये टारगेट हिट होगा, तो चलिए देख लेते हैं। स्टिल इन रनिंग, एंड ये हमारा टारगेट हिट हो गया, थोड़ी सी देर लगी लेकिन थोड़ी देर में जो हमारा टारगेट है ये कम्प्लीटली हिट हो गया। अब हम इसको मेजर करेंगे कि हमारा जो टारगेट निकला ये कितने डॉलर के आसपास का निकला, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको मेजर करते हैं। 80 का हमारा पहला था, 80 पिप्स हमने पहले निकाल ली थी प्राइस एक्शन से, और ये तकरीबन 85 पिप्स, 160 पिप्स इन टू ट्रेड,
ठीक है। तो ये संयम से और बहुत सजगता की ट्रेड है। दो ट्रेड ली हमने, दो की दो ट्रेड अभी हमारी विन है, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा इसको नेक्स्ट पैटर्न की वेट करेंगे, क्या पैटर्न बना रहा है, थोड़ा सा प्ले करके देखते हैं इसको। नीचे आया, अब देखो मैं इसको थोड़ा सा बैक कर दूं, ये यहाँ पे बैक करता हूँ, ठीक है। इसने ये हमारा टारगेट तो हिट किया था, लेकिन इसके साथ साथ ये एक चैनल और क्रिएट कर रहा था। यहाँ पे देखो आप, ये वाला, ठीक है। अब हम इसके ब्रेकआउट की वेट करेंगे, और इस कैंडल पे हो गया हमारा क्लियर कट ब्रेकआउट है ये, ठीक है। जैसे हमारा जो पहला बुलिश ब्रेकआउट हुआ था बहुत अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ, और ये भी हमारा जो हुआ अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ निकला है, ये दबा है। तो यहाँ पे जो है कर देते हैं, और अपना स्टॉप लॉस स्विंग हाई के ऊपर ही रखेंगे भाई। ये हमारा स्विंग हाई था, और इसका टारगेट जो है हम अपना रख सकते हैं बहुत आराम से यहाँ के आसपास। ये जो हमारी जो सपोर्ट बन रही थी, जहाँ हम वेट कर रहे थे कि ब्रेकआउट लेगा तो ऊपर की तरफ जाएंगे, तो वहाँ तक के लिए हम अपना इसका टारगेट लेके चल सकते हैं। और आप देख सकते हो हमारी ट्रेड बहुत अच्छे प्रॉफिट में है, और ये वाली ट्रेड हम बहुत अच्छे से विन भी कर चुके। तो रुक जा भाई, रुक जा, पीछे आ जा। ये वाली ट्रेड हम यहाँ पे बहुत अच्छे से विन कर चुके। ये मैं बिल्कुल लाइव इसलिए दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आप पैटर्न समझना शुरू कर दो चार्ट को देखकर, ठीक है। बहुत सारा जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है, वो कंफ्यूजन ये ही है, चार्ट समझ में नहीं आता भाई, ठीक है। ये वाला हमारी ट्रेड पूरी तरह से कंप्लीट हुई। अब मैं इस वाली लाइन को आगे बढ़ा लूंगा, क्योंकि ये ही हमारा टारगेट था। तो देख सकते हो आपने, ये वाली सपोर्ट भी इसने क्लियर क्लियर तोड़ दी। लेकिन हम अभी इस पर ट्रेड नहीं लेंगे। एक बार ये ब्रेकआउट ले ले और वापस में नीचे की तरफ आए, तो हमारी ट्रेड बनेगी, नहीं तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे। ये देखिए क्लियर कट, इसने अच्छे से रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करने के बाद नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। लेकिन नीचे की तरफ अभी मुझे वो वाली कैंडल नहीं दिखाई दी, जिसे मैं कह सकता हूँ कि हाँ अभी नीचे की तरफ ट्रेंड जाएगा। तो इसकी कैंडल की वेट करेंगे, जो बियर इस कैंडल हो अच्छी खासी, और वेट। अब ये ऊपर की तरफ बुलिश लग रहा है, ये देखिए ये वाली कैंडल जो आई, ये वाली कैंडल ट्रिगर कैंडल होगी, क्लियर कट देख सकते हो आप, पूरी भरी हुई कैंडल है, इनकल्फिंग कैंडल है, बियर इस ट्रेंड शो कर रही है, बियर हावी है मार्केट पे। यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड लेंगे, और अपना स्टॉप लॉस जैसा कि आपको पता है अपने स्विंग हाई के ऊपर ले लेंगे, और जो हम अपना टारगेट रखेंगे हम अपना ये वाला जो नीचे का जोन था यहाँ पे, ये जो हमारी नीचे की सपोर्ट थी जहाँ से पहले उठा था, इसको लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लूँगा, ठीक है। तो यहाँ के आसपास हम अपना टारगेट रखने जा रहे हैं, और देखते हैं हमारी ट्रेड में क्या होगा। और ये वाली ट्रेड भी हम बहुत आराम से विन कर चुके, ठीक है। अब ये अगर यहाँ से उठा तो हमारी एक लॉन्ग ट्रेड बन जाएगी, और टारगेट यहीं तक का लेंगे हम, ठीक। तो अभी चलते हैं, देखते हैं हमारा। यहाँ पे देखिए आप, इसने वापस में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है, लेकिन एक बार अच्छे रिटेस्ट या एक अच्छी बुलिश कैंडल नहीं दिखाई दे रही। वैसे तो ये भी एक अच्छी बुलिश कैंडल है, हम इसके लिए जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है हमारा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। बट फिर भी हम इस पर ट्राई करेंगे, ले लेते हैं, ठीक है। चलिए इस वाली कैंडल पर ले लिया हमने, थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस कॉल में हमारा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि स्विंग लो नीचे है, और जो हमारा टारगेट है वो यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो हमें 1:1 का भी, कई बार जो बोलते हैं भैया इस वाली कॉल आपने कॉल डाल दी, इसका जो है स्टॉप लॉस बड़ा टारगेट छोटा, तो वो ये वाली कॉल होती है। बताओ इसमें जो है आप क्लियर कट देख सकते हो, देखो ये आया नीचे, और ये उठ के इसने ये कर दिया टारगेट हिट, ठीक है। ये आप देख सकते हो क्लियर कट क्या हुआ, टारगेट हिट हुआ। कितनी कॉल ली अभी तक हमने देख सकते हैं, एक कॉल, दो कॉल, तीन, चार, पांच, पांच कॉल ली, और इन पांच कॉल में से पांच की पांच हमारी कॉल से भी ने, ठीक है। अभी हम देखते हैं हमारा क्या ट्रेंड बनाता है ये। अभी तक कोई इसने ऐसा पैटर्न नहीं बनाया जिस पर हम ट्रेड ले सकते हैं, और अभी ये जो इसका पैटर्न बन रहा है, अभी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तो ये प्योर प्योर रेंज बाउंड में है, ठीक है। यहाँ पे इसकी बस सपोर्ट सी है, इसको वापस में थोड़ा नीचे तक आ सकता है, नीचे से अगर उठेगा तो हम लॉन्ग के लिए देखते हैं जाने के लिए, ठीक है। आया था ये, आया था हमारा सपोर्ट पे आया था, ये देखिए ये हमारी सपोर्ट थी,
नहीं किया इसने टच, तो हमारी ट्रेड नहीं बनी, ठीक है। सपोर्ट से थोड़ी सी ऊपर ही इसने लेकिन एक बुलिश इंगल्फिंग बना दी थी। कल की मैंने इंगल्फिंग वाली ट्रेड में बताया था कि अगर बुलिश इंगल्फिंग बनाता है तो हम लॉन्ग के लिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बुलिश इंगल्फिंग जो है पैटर्न इसने क्रिएट किया, और सपोर्ट के पास ऐसा पैटर्न हमें मिल जाए तो बहुत सोने पर सुहागा वाली बात होती है, और ये वाला पैटर्न हमें मिल गया, इसमें लॉन्ग के लिए जाएंगे। और वही हमारा स्टॉप लॉस जस्ट सपोर्ट से नीचे 1:1.5 का लेंगे हम इसमें, ठीक है। 1:1.5 का लिया और ये हमारा हिट हो ही गया था, वो हमने देख लिया था रिप्ले में भी, हो ही जाना था क्योंकि चार्ट तेजी से चल रहा था, तो वो बुलिश इंगल्फिंग जो है निगाह से थोड़ी सी ओझल हो रही थी। और अब पैटर्न पहचानने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमें कैंडल स्टिक से आपको ट्रेड लेके नहीं दिखा रहा था, बट यहाँ पे देखिए पैटर्न क्रिएट हो रहा है, बहुत अच्छा खासा, बहुत बेहतरीन वाला पैटर्न क्रिएट हुआ है, ये देखो आप, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ, ये पैटर्न, और ये भयानक बियरिश पैटर्न होता है, जब ये तोड़ेगा तो इसकी टूटने वाली कैंडल पे हम ट्रेड लेंगे। ये बियरिश ही पैटर्न होता है, और हम 1 बाय 1 करके इसको प्ले करेंगे। ये देखिए यहाँ पर टूटा, इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया। जब ये ऊपर की तरफ ऐसे वाला पैटर्न बनता है तो इसको बुलिश ट्रेड, अगर उसमें बुलिश ब्रेकआउट दे रहा है तो कभी ट्रेड मत लो, ठीक है। अब ये यहाँ पे इसने तोड़ दिया, यहाँ पे इसने एक बहुत अच्छी खासी अपनी बियर कैंडल बनाई, तो यहाँ से जो है हम शॉर्ट के लिए जाने वाले हैं, यहाँ से हम शॉर्ट लेंगे। स्टॉप लॉस हमारा होने वाला है, चलो स्विंग हाई के ऊपर रख लेते हैं, और जो हमारा टारगेट होगा वो टारगेट हमारा, हमारी यही वाली सपोर्ट होने वाली है। बहुत बड़ा टारगेट मिला है हमें, 1:2.87 का टारगेट है, और देखते हैं हमारा टारगेट हिट होता है नहीं होता है। और दोस्तों हमारी ट्रेड प्रॉफिट में है, और ये भी हमारा टारगेट हिट हुआ लगातार। तो हमने लाइव ट्रेड ली, और लगभग कितनी ट्रेड देख सकते हो आप, हमने ली है 1, इससे पीछे भी ली क्या, कोई नहीं, यही वाली हमारी फर्स्ट ट्रेड थी। एक ट्रेड, 2 3 4 5, 5 6 और ये 7, 7 ट्रेड ली, और 7 की 7 हमारे ट्रेड विन है। इसे 100% एक्यूरेसी कहते हैं, और प्राइस एक्शन इसीलिए केवल कामयाब ट्रेडर जितने भी होते हैं प्राइस एक्शन को ट्रेड करते हैं। प्राइस एक्शन से मजबूत ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इस दुनिया में नहीं है। बाकी जो आप सारा दिन के इंडिकेटर कॉम्बिनेशन की स्ट्रेटेजीज देखते हो वो केवल और केवल व्यूज पाने के लिए डाली जाती है। प्राइस एक्शन लर्न करना शुरू करो, इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत हेल्प मिली होगी। मेरा उद्देश्य ये बताना नहीं था मेरी एक्यूरेसी कितनी है, मेरे लोग जानते हैं मेरी एक्यूरेसी कितनी है, मेरा प्रीमियम वाले जानते हैं मेरी एक्यूरेसी कितनी है, लेकिन ये मेरी वीडियो बनाने का ये है कि जो भाई ठीक है खुद से बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं ट्रेड, और अभी प्रीमियम नहीं ले सकते किसी कारणवश, तो वो इस सब चीज़ को जान जाए कि भाई ट्रेड बनाई कैसे जाती है। तो ट्रेड ऐसे बनाई जाती है, और ये हमने किस डेट से लेके, किस डेट तक, 13 अप्रैल से लेके 19 मई तक, यानी 1 महीने के आसपास मान के चलो आप, ठीक है। और ये जो पिप्स है तकरीबन तकरीबन मेरे ख्याल से होंगे 800-900 पिप्स के आसपास तक हमने इनमें एक्यूरेसी बहुत आराम से निकाली। तो 900 पिप्स एक चार्ट पर निकाल लिया हमने 1 महीने में, और आप चार चार्ट लेकर बैठे तो कितना बनेगा 1 महीने का, आप खुद सोच सकते हो, 9-3 हज़ार पिप्स के आसपास। और ये 12 या 36 हज़ार पिप्स साल के बैठते हैं, जो आपके $200 के पोर्टफोलियो को बहुत आराम से $100K में बदल सकते हैं बहुत प्यार के साथ, अगर आप प्राइस एक्शन को ट्रेड करो और फुल टाइम इसको दो, ठीक है। तो उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने को मिला है, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर दो, चैनल को लाइक नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।